नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूरे जगत में भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अनोखा है। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया कि राधा संग समस्त गोपियाँ कृष्ण से दूर दूर रहने लगी। राधा ने कृष्ण से ये भी कहा कि मत छूना मुझे। इस घटना के बाद कृष्ण ने जो किया उसकी निशानी आज भी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कृष्ण कुंड के रूप में मौजूद है। इस कुंड के निर्माण का कारण राधा कृष्ण का ये संवाद माना जाता है, जब राधा ने कृष्ण को अपना स्पर्श करने से मना कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे हुए असुर अरिष्ठासुर का वध कर दिया था। अरिष्ठासुर बैल के रूप में ब्रजवासियों को कष्ट देने आया था। बैल की हत्या करने के कारण राधा और गोपियां कृष्ण को गौ का हत्यारा मान रही थी। कृष्ण ने राधा को खूब समझाने का प्रयास किया कि उसने बैल की नहीं बल्कि असुर का वध किया है। कृष्ण के समझाने के बाद भी जब राधा नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जमीन पर पटकी और वहां जल की धारा बहने लगी। इस जल धारा से एक कुंड बन गया। श्री कृष्ण ने तीर्थों से कहा कि आप सभी यहाँ आए। कृष्ण के आदेश से सभी तीर्थ राधा कृष्ण के सामने उपस्थित हो गए। इसके बाद सभी कुंड में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया और कहा कि इस कुंड में स्नान करने वाले को एक ही स्थान पर सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।